बढ़िया से ये सजा दो, डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? ओहो रामू, ये मुरझाए हुए फूल हटाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, एक एक फूल बागान से आना चाहिए। मेरी देवरानी के गोद भराई में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उषा, जरा जाके देखो भावना रेडी है कि नहीं। जी भाई। छोटी भाभी, नीचे की रौनक तो देखने लायक है, बड़ी भाभी तो खुशी के मारे पगलाए जा रही हैं, जैसे कि उन्हीं की गोद भराई की रस्म हो। बात तो एक ही है ताई, मेरे बच्चे पे जितना मेरा हक है उतना ही उसकी ताई जी का भी, और भाभी का दुख मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। वैसे इतना बड़ा दुख झेलना बहुत बड़ी बात होती है, मगर बड़ी भाभी की भी क्या बात है, चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती उनके। अरे ताई, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे ऐसी जेठानी मिली। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी रसम के लिए बिल्कुल तैयार है और पंडित जी भी आ गए। आप कहो तो मैं उनको ले आऊं। उषा, तुम किशोर भैया को बोलना भावना को संभाल के नीचे ले आए। हाँ? 4 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। मेरी ममता तरस गई है बच्चे को गोद में लेने के लिए। अरे बड़ी भाभी, थोड़ा सब्र कीजिए, जहाँ 7 महीने बीत गए वहाँ 2 महीने और बीत जाएंगे। और आप भी नीचे चलिए ना, सब गोद भराई की रस्म के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। उषा, तुम आगे चली जाओ, मुझे बस कुछ जरूरी काम है, वो निपटा के मैं आती हूँ। रामू, दीपू, कोठरी में आ जाओ। जी बड़ी भाभी। इसे बिल्कुल अच्छे से साफ करना और पूजा शुरू होने से पहले वो नीचे आ जाना चाहिए। जी बड़ी भाभी। धू दे रहा दीपू। दीपू यहाँ पे है, देखो साफ करना पड़ेगा इसे। लाइट को क्या हो? सर बल को बाद में देखते, पहले इसको नीचे लेते हैं। हाँ चल, साफ भी करना पड़ेगा। उठा। अरे रामू, दीपू मिला कि नहीं? मिल गया। ये लाइट क्यों नहीं है? अरे जल्दी करो बाबा, वो किशोर भैया भावना को लेकर पूजा में आते ही होंगे, जल्दी करो चलो। हाँ बड़ी बहू। कितना सुंदर पालना है, इसमें मेरा बच्चा बहुत खुश रहेगा। अरे चलो जल्दी इसे नीचे लेकर आओ। हाँ बड़ी भाभी चलो। छोटी भाभी जल्दी चलिए, सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी आ गए। चलिए ताई। Thank you.
डॉक्टर साहब कंग्रेचुलेशंस मिसेस गुप्ता, लड़का हुआ है। पर ताजुब की बात यह है कि सातवें महीने में पैदा होने के बावजूद ये बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन अभी कुछ हफ्ते कमजोरी रहेगी तो बेहतर यही होगा कि बच्चे का ख्याल कोई और रखे। लेकिन डॉक्टर साहब भावना पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगी ना? जी बिल्कुल, पर टेंशन की बात यह है कि वो बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी। अरे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब क्या मैं बच्चे को देखने जा सकती हूँ, भावना को मिल सकती हूँ? श्योर आओ। कहाँ है मेरा बच्चा? बच्चा मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अपने अपनी दूसरी माँ के पास है, किरण भाभी के पास, किरण भाभी के पास है, किरण भाभी के पास। हाँ मेरा बच्चा। ले 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 मेरा राघव, मेरा राघव। अरे भावना, किशोर देखो ना, बच्चे की पालने के साथ कितनी दोस्ती हो गई है। और मैं क्या सोच रही थी कि हम इसका नाम राघव रखेंगे, अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो। नहीं नहीं भाभी, आपने इतने प्यार से राघव नाम रखा है तो हम इसे राघव ही बुलाएंगे। वैसे भी भाभी, मुझसे पहले तो ये आप ही का बेटा है। वो तो है ही। मैं राघव को गोद में ले लूं? अरे भावना, ये पूछने वाली क्या बात है? हाँ मुझे लगता है इसे पालने में ही रहना है, इसकी पालने के साथ दोस्ती हो गई है। ओ ले 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 ले। पालना ना उसे बहुत पसंद है, हमेशा खुश रहता है इसमें। अरे इतनी देर तक तुम खड़े क्यों हो? किशोर इसे लेकर जाओ, इसे आराम की जरूरत है। हाँ? अरे मैं हूं ना राघव के लिए, मैं उसका ख्याल रखूंगी। राघव भावना, क्या सोच रही हो? अजीब सी बात है किशोर, जो मुन्ने को अपनी गोद में लेती हूँ
तो रोने लग जाता है, फिर वापस पालने में रखती हूँ तो खुश हो जाता है, खेलने लग जाता है। किशोर कहीं पालने में कुछ भावना, भावना तुम भी ना, फालतू की बातों में तुम उलझ जाती हो। देख, ये जो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जैसे आप उन्हें पालने में रखते हो ना, तो धीरे धीरे झूलते हुए उन्हें मजा आता है। अरे मैं तो कहूंगा कि उल्टा तुम्हें ना अच्छा फील होना चाहिए कि इस पालने की वजह से ही तुम मुन्ने के पास 24 घंटे भी रह सकती हो और साथ में तुम्हारी कमर को भी आराम मिल सकता है। जानती हूँ किशोर, डिलीवरी के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है उस वजह से मैं मुन्ने पर ध्यान दे ही नहीं पा रही हूँ। पर तुम देखना, मैं जल्दी ठीक होकर अपने मुन्ने के साथ खेलूंगी भी और उसका ध्यान भी रखूंगी। राम जाने क्या इस पालने में भाभी, देखिए तो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। एक बार मैं पूरी तरह अच्छी हो जाऊंगी ना, तो इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं अभी आती हूँ। मुन्ने पर भी गिर सकता था, उसे चोट लग सकती थी। भावना, भावना, भावना ऐसा हुआ तो नहीं है ना? पर हो जाता तो मेरे मुन्ने। भावना ऐसा नहीं हुआ है। देखो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। ऊपर वाले की दया से तुम ठीक हो, मुन्ना ठीक है, हमें और क्या चाहिए? अब मैं अपने मुन्ने पर जरा से भी आंच नहीं आने दूंगी। हर पल अपने मुन्ने के साथ रहूंगी, एक पल भी अपने मुन्ने को अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। ए किशोर, एक पल भी दूर नहीं रहने दूंगी। भावना, जरा इधर आना। तुम फिर उदास हो गई? हाँ ना, देखो जो भी हुआ है ना, उसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाओ, जस्ट अ प्लेन एक्सीडेंट। पर मैं अपने मन को समझा ही नहीं पा रही। राघव को लेकर मेरा मन बहुत बेचैन रहता है किशोर, ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहे। सब बकवास है भावना, सब बकवास है। हमारे बच्चे को हमसे कौन दूर करना चाहेगा? जानती हूँ किशोर साहब, जानती हूँ, लेकिन कोई बात तो जरूर है, कुछ गड़बड़ है। तुम खामखा चिंता कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा।
इसी पाले में निन्नी करेंगे। ओ जो जो नो बाबा। कोई नहीं है। नहीं भाभी नहीं, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैंने अभी वो बच्चा देखा और उसकी आंखें भाभी जैसे वो मुझसे कुछ मांग रही हो, मुझसे मांग रही हो, चीख चीख के मांग रही होगी। भाभी मैंने मैंने खुद देखा, मेरा यकीन कीजिए। ये सब दवाई की वजह से है। नहीं, मैं आज से राघव का ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए। मैंने मैंने खुद देखा है, वो यही था, यही मुझे खींच के ले आया। भावना, तुम्हें आराम की जरूरत है। रामू, ये पालना मेरे रूम में शिफ्ट करो। राघव आज से मेरे कमरे में रहेगा। भाभी पर मैं हूं ना। राघव, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। तू भी आ जाएगी। हाँ, तू अच्छे से रहना, ठीक है? क्या आदेश है बाबा? दो दिन बाद महा अमावस्या की रात है। यह वही रात है जो तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरी कर सकती है। तुम्हें तुम्हारा राघव वापस मिल सकता है। सच में बाबा? हाँ, पिछले 4 सालों से तुम्हारे राघव की आत्मा को मैंने जीवित रखा, उसे इंसान की तरह बढ़ने दिया, पर अब उसकी आत्मा को एक शरीर की जरूरत है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे देवर के बच्चे की बलि देनी होगी। बिल्कुल बाबा, मुझे तो इसी दिन का इंतजार था। अब मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा, मेरा राघव मुझे वापस मिल जाएगा, और मेरे प्यारे देवर देवरानी को सबक मिलेगा। एक बच्चे से बिछड़ने का दर्द क्या होता है,
ये उन्हें समझ आएगा। लेकिन याद रहे, यदि इस अमावस्या के दिन ये विधि संपूर्ण नहीं हुई तो ये विधि कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम्हारा बच्चा कभी जीवित नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा, ये विधि पूरी होकर रहेगी। ये एक माँ का वादा है। करो किशोर, ये वही बच्चा जो मैंने सपने में देखा था। किशोर कल किसी पंडित के पास जाते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि किशोर भैया, अच्छा हो गया आप लोग यहाँ मिल गए। ये विंडचाइम राघव के पालने के सामने वाली बालकनी में लगानी है। इसकी मधुर आवाज से राघव को गहरी नींद आ जाएगी। आप लगाओगे? बिल्कुल भाभी जी, हाँ मैं लगा दूंगा ना। पर किशोर, मैं लगा दूंगा। तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, हम लोग ना मुन्ने के साथ थोड़ा गार्डन में टहल कर आएंगे। तुम फ्रेश हो जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। चलिए भाभी, मैं आया। चलिए भाभी जी। अपने मुन्ने के लिए सारे घर में ऐसे वेंट चाइम्स लगा दूंगा मैं। समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरे परिवार को ये किसकी नजर लग गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो किशोर, किशोर बहुत डिस्टरबेंस है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैं वही कह रहा था कि ना तुम जो कह रही थी ना वो सही है, मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। क्या, पर अचानक ऐसा क्या हो गया किशोर, तुम क्या कह रहे हो? हेलो किशोर, किशोर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Thank you.
अच्छा हो गया तुमने पूछ लिया, वरना मेरे ये पूजा पाठ के बारे में एक ना एक दिन तुम्हें पता ही चलता। पूजा पाठ? हाँ, काले जादू को, वैदिक तंत्र को आप पूजा पाठ कहती हैं? भाभी आप तो कितनी समझदार थी, आप इन सब चक्रों में कैसे पड़ गए? खुद ये सब करती हो और मुझे पूछ रही हो? तुम मानो या ना मानो, मेरे बच्चे राघव का खून तुम्हारे पति ने किया है। नहीं भाभी, नहीं, किशोर ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। सच तो ये है, किशोर ने मेरे राघव की बलि चढ़ाई है और अब मैं तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ाऊंगी। पिछले 4 साल से मेरा बेटा राघव एक आत्मा के रूप में जीवित है और अब समय आ गया है, इस रात के बाद उसे एक शरीर मिल जाएगा और मेरा राघव मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। बड़ी भाभी तो खुशी के मारे पगला जा रही है, जैसे कि उन्हीं की गोद भराई की रस्म हो। हम इसका नाम राघव रखेंगे, उसे नए चेहरे की आदत नहीं है ना, शायद इसलिए रो रहा है। ये सब दवाई की वजह से। मैं आज से राघव का ख्याल रखूंगी। ये पालना मेरे रूम में शिफ्ट करो। राघव आज से मेरे कमरे में रहे। इसका मतलब भाभी ये सब कुछ नाटक था, ये सब कुछ दिखावा था। आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं? भाभी मैंने तो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं किया ना। तुम्हारे पति ने तो किया था, उसने मेरे बच्चे की जान ली है, खूनी है वो। किशोर, पालने को हाथ मत लगाना। किशोर, किशोर भाभी को समझा, वो क्या कह रही है, वो क्या बोले जा रही है? किशोर कुछ बोलो भाभी, कुछ बोलो। बाद में किशोर, कुछ बाद में भावना। भाभी जी, भाभी जी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए। और अगर आपने खुद ने ऐसा नहीं किया तो मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो करना है वो करो। मैं भी तो देखूं एक मां के टक्कर में कैसे खड़े रहते हो तुम।
राघव, राघव तुमने मेरे बेटे को मारा, अब अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से देखो। नहीं भाभी, नहीं, 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 नहीं। भाभी जी आप ऐसा नहीं कर सकती। भाभी जी नहीं, भाभी जी देखिए आपको कुछ गलतफहमी हो रही। भाभी जी मैंने कुछ नहीं किया। देखिए मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए। भाभी जी मेरे बच्चे को मुझे लौटा दीजिए। भाभी जी मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। भाभी जी भाभी जी इसे रोको। नहीं भाभी जी मेरा बच्चा मर जाएगा। भाभी जी भाभी जी मैं आपसे विनती करता हूँ। भाभी जी मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। भाभी जी मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। भाभी जी सच कहता हूँ मैं, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी जी अब मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ किशोर। भाभी जी मेरे गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए। आपके राघव को मैंने मारा था, उसकी सजा मुझे दीजिए। भावना मुझे समझने की कोशिश करो ना। भावना तुम्हारे दो मिसकैरेजेस के बाद हमने बच्चे की उम्मीद जैसे छोड़ ही दी थी ना। किशोर क्या हो रहा है हमारे साथ? शायद बच्चे का सुख हमारे नसीब में लिखा ही नहीं है। तभी तो इस दुनिया में आने से पहले ही भगवान ने उससे हमसे छीन लिया, और वो भी दूसरी बार। और ये क्या कम था, मेरा बिजनेस भी डूब चुका था, कंपनी के सारे शेयर्स डूब गए। इसी बीच एक तांत्रिक से मिला। यदि तुमने एक साल के बच्चे की बलि दी तो तुम्हें धन और संतान की प्राप्ति होगी। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा कि अगर मैं ये कर जाऊंगा तो सच में मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। राघव के बिना नहीं रह सकती, मुझे मुझे चाहिए मेरा बच्चा। इसलिए तुमने मेरे राघव की जान ली। ये तो अच्छा हो गया कि मैंने तुम्हें उस तांत्रिक को मिलते हुए देख लिया था। और फिर मैं उस तांत्रिक के पास चली गई। हाँ, आया था तुम्हारा देवर मेरे पास, तुम्हारे बच्चे की बलि उसी ने ही चढ़ाई है। बाबा मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा राघव वापस चाहिए। ठीक है, इसमें तेरे बच्चे की आत्मा है। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे इसकी आयु बढ़ती जाएगी, लेकिन याद रहे इसको भी एक शरीर की तलाश है। तुम्हें एक बलि देनी होगी, वो भी तुम्हारे ही देवर के बच्चे की।
उसने मेरे राघव की आत्मा को 4 साल तक जीवित रखा और मुझसे वादा किया कि मैं आपके राघव को लौटा दूंगा। अब वो समय आ चुका है जो दर्द मैंने सहा है, वो दर्द अब तुम्हें चुभेगा। भाभी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। भाभी जी, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। भाभी जी, आपको जो भी सजा देनी है ना भाभी जी, आप मुझे दीजिए। आप मार डालिए मुझे, पर मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। ये तुम्हें 4 साल पहले सोचना चाहिए था किशोर। राघव, तुम अपने छोटे भाई को लेकर मेरे साथ आ जाओ। भाभी जी, भाभी जी, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। भाभी जी, भाभी जी, उसे छोड़ दीजिए। भाभी जी, लौटा दीजिए। भाभी जी, छोड़ दीजिए। सारी मुसीबत की जड़ ये पालना ही है। मुझे कुछ करना होगा। भावना, मेरी बात सुनो। भावना, देखो उसमें उसकी आत्मा है, उसे जला दो, उसे मुक्ति दे दो। किशोर, इसमें भाभी के बच्चे की आत्मा बसी हुई है। हमारी वजह से पहले भी एक बार उन्होंने अपना बच्चा खोया है। हम फिर से कैसे किशोर, कैसे? ये एक मासूम सा बच्चा है, मैं नहीं चला सकती। माँ से उसके बच्चे को छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरा बच्चा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारा बेटा मर चुका है किरण, और ये जो बच्चा तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा वहम है। वहम, कोई और अगर गलत काम करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम खुद गलत राह पर चले। ये जो कुछ भी तुम कर रही हो, ये सब गलत है। अब इसका अंत मुझे ही कर। नहीं बेटा, नहीं, अपना बच्चा है वो। भैया चला दो, भैया छोड़ना नहीं, भैया चला दो, छोड़ना नहीं भैया। Oh!
राघव, राघव, मेरा बच्चा। समय कभी चूकता नहीं, अपनी गति से ही सही लेकिन अपना काम जरूर पूरा करता है। समय ने किशोर को भी सही रास्ता दिखाया और एक मासूम की जान लेने की सजा भी दी। शायद इसलिए कहते हैं कि समय सबसे बलवान होता है।